अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है ये मैं आपको नादरा बेगम का मकबरा और दाई अंगा का मकबरा जो के जी टी रोड पर वाक़ है वो मैं आपको आज उसका विजिट कराऊंगा और आई होप आपको आज का वीलॉग पसंद होगा। चलिए आइए आज का वीलॉग फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम जी टी रोड पर दाई अंगा के मकबरे के पायल मौजूद है और उसका दाखिली रास्ता इस गुलाबी दरवाजे से होकर जाता है। आइए इसकी भी कुछ हिस्ट्री है वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। ये पुरशिकव दो मंजिला इमारत दरवाज़ा गुलाबी बाग के नाम से अपनी शनाख्त रखती है। इसका नाम ही वजाहत करता है कि ये गुलाब के बाग का दरवाज़ा था। गुलाबी बाग का नाम मेहराब के ऊपर लिखी तहरीर की आखिरी सतर में आता है। ये तहरीर ना सिर्फ बाग की नौइयत की वजाहत करती है बल्कि इसके मादा तारीख में बाग की तामीर के साल 1655 का जिक्र भी है। इस बाग और इसके शानदार दाखिली दरवाजे की तामीर मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने करवाई थी जो शाहजहाँ का मंजूर नज़र और एक बावकार ओहदे पर तैनात था। दाखिली दरवाजे के पेश रुख पर किए जाने वाला काशी का काम इस फन में कारीगरी के बेहतरीन नमूनों में से एक शुमार किया जाता है। गुलाबी बाग का दाखिली दरवाज़ा तहफ़ नवादरात के कानून 1975 के तहत एक महफूज तारीखी विरसा है। ये अब हम जैसे ही दाखिली दरवाजे से एंटर होते हैं तो फिर ये राइट साइड पे खूबसूरत बाग है जो कि अब क्योंकि इनक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कि बहुत बड़ा बाग था लेकिन अब इसकी जगह बहुत लिमिटेड रह गई है। तो ये अब भी सामने जो हमें दाई अंगा का मकबरा नज़र आ रहा है ये उससे पहले उसका पैसेज है जो कि हमें उस मकबरे तक लीड करता है। और ये आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इसको बेहतरीन मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा गया है और फूलों की भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मकबरे के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। और आइए इसकी भी तारीख पर कुछ रोशनी डालें। ज़ेब-उन-निसा या दाई अंगा शाहजहाँ की वेट नर्स थी और जहांगीर के मातहत एक दरबारी की बीवी थी। गुलाबी बाग के दरवाजे से चंद कदम के फासले पर शुमाल में इसका ये शानदार मज़ार वाक़ है। मकबरा मस्तील शक्ल का है जिसमें 8 कमरे मरकजी हुजरे के चारों तरफ हैं। पूरा मकबरा एक बुलंदी पर चबूतरे पर बनाया गया है। फ्रेस्कोस के साथ एक गुंबद बराह रास्त मरकजी चैम्बर के ऊपर है। चैम्बर बजाते खुद खाली है क्योंकि दाई अंगा की असल कब्र नीचे एक जेर ज़मीन तहखाने में मौजूद है। वो अपनी बेटी सुल्ताना बेगम के पहलू में दफन है। दोनों की कब्रों को यहाँ से हटा दिया गया था और जेर ज़मीन चैम्बर अब आवाम के लिए काबिल रसाई नहीं है। मरकजी तब्दीली को कुरान के तराशे हुए नौशे जात के साथ साथ मारूफ खत्तात मोहम्मद साले की तरफ से बनाए गए खूबसूरत फ्रेस्को से सजाया गया। मकबरे की बैरूनी हिस्सा भी कभी मीरों से ढका हुआ था। काशीकारी या काशान तर्ज का टाइल का काम अगरचे सदियों से ज़्यादातर टाइलें ज़ाया हो चुकी हैं। मरकजी चैम्बर और आसपास के कमरे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए जो जेर ज़मीन चैम्बरों पर मुश्तमिल है जिसमें तदफीन की गई। यहाँ दोनों की कब्रें मौजूद हैं, एक दाई अंगा की और दूसरी इनकी बेटी सुल्ताना बेगम। मकबरा कॉम्प्लेक्स पंजाब के महकमा आसारे कदीमा के महफूज विरसे की यादगारों में दर्ज है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मकबरा इस वक्त जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत के ज़ेरे असर है और इसकी अभी रेनोवेशन पे भी काम शुरू हो रहा है। दोबारा से इसको और मेंटेन किया जाएगा और ये वो कब्रें जो अलामती कब्रें बनाई गई हैं असल में ये इनकी कब्रें नहीं है दाई अंगा की, वो तहखाने में मौजूद। जी फ्रेंड, इस वक्त हम नादरा बेगम के मकबरे के बाहर मौजूद हैं। नादरा बेगम शहनशाह शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे वली अहद दारा शिको की अहलिया थी। ये शायर शहजादा 1640 की दिहाई में पंजाब का गवर्नर रहा। नादरा बेगम को हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब मुरबा शक्ल के मकबरे में दफन किया गया जिनसे ये शाही जोड़ा रूहानी तौर पर वाबस्ता था।
बड़े पैमाने पर ईंटों की चुनाई के साथ तामीर किया गया है। मकबरे का दो मंजिला ढांचा असल में 12 दरी के तौर पर बनाया गया था, जिसके चारों तरफ पानी की एक बड़ी टैंकी थी। दीगर मुगल मकबरों के बरक्स जो आम तौर पर बागात के दरमियान तामीर किए जाते हैं, नादरा बेगम का मकबरा बगैर किसी गुंबद के पानी के टैंक के दरमियान बनाया गया। मुमताज तामीराती खसूसियात ने इस मकबरे के बजाय एक पवेलियन जैसा बना दिया है। ये मकबरा पानी के टैंक के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है, जो एक झील को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा था। तारीख के दौरान तजावजात ने मकबरे के बेशतर इलाके को खा लिया है। बरतानवी दौर में टैंक को मोहम्मद सुल्तान ने तोड़ा और उसकी ईंटों को लाहौर छावनी की तामीर में इस्तेमाल किया गया। टैंक के कोनों पर पवेलियन का निशान लगाया गया था, जबकि ऊंचे गेटवे शुमाल और जनूब से मकबरे तक मेमारी पुल के जरिए रसाई फराहम करते थे। गेटवेज अब मौजूद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गेटवेज अब भी देखे जा सकते हैं। जी फ्रेंड, ये अब हम मकबरे के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा काशीकारी का काम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब भी इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये जैसे अभी आप कब्र भी देख रहे हैं नादरा बेगम की, इस पर भी कुरान की आयतें और अल्लाह का नाम मौजूद है। मैं इस जगह पे आके थोड़ा सा अफसोस का इज़हार करूँगा कि ये जैसे हमारी इतनी बड़ा ये विरसा है, हमारा एक हेरिटेज है, इसको जिस हालत में अभी रखा गया है, मैं बहुत से मायूस हुआ और मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस बिल्डिंग को दोबारा से अपनी पुराने जाहो जलाल में लाने के लिए इस पर काम किया जाए। क्योंकि अभी आप अगर इसको देखें तो इसकी हालत अभी, इसकी रेनोवेशन की इसको बहुत अच्छी ज़रूरत है। दूसरा, इसके जो लेफ़्ट राइट आपकी चारों साइडों पे जो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि बच्चे खेलते हुए, और ये आपका नेशनल हेरिटेज है, इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के ज़रिए इसको प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि ये एक पवेलियन बन चुका है। क्योंकि ग्राउंड है आगे भी पीछे भी, तो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि इस हेरिटेज को प्रिजर्व करें, इसको लुक आफ्टर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आ सकें और इसको देखें और इसको इंजॉय भी कर सकें। आई होप आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।